हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्माइल विश वी। कैसे हैं आप सभी लोग? तो जैसे कि आप पीछे थोड़ा सा बैकग्राउंड देखकर सोच रहे होंगे कि मैं गोवा घर फिर यहाँ पे कैसे आ गई, तो कुछ ऐसी बात हो गई अचानक से सडनली, वो मैं आपको आगे बताऊंगी। तो कुछ चीजें होती हैं जो आपको कभी कभी इमरजेंसी में अचानक से आना पड़ता है, तो बेसिकली उसी पर्पज से हम लोग आए हैं और कल वापस रिटर्न भी हो जाएंगे। और हमारे साथ मम्मी पापा दोनों वापस आएंगे, मतलब कि मम्मी पापा भी दिल्ली जा रहे हैं, तो अच्छी बात ये है। तो मम्मी गई हैं किसी पूजा में, और ये और पापा को लेकर कहीं गए हैं कुछ काम से, तो ये सारे काम जो है वो आज फटाफट करवा देंगे और शाम को मम्मी करेंगी पैकिंग, और फिर उसके बाद हम लोग दिल्ली के लिए रिटर्न हो जाएंगे। तो मैं सोचा चलो वीडियो का स्टार्ट कर देती हूँ, और मम्मी जब आएंगी, तो मम्मी अभी तैयार होकर गई हैं थोड़ी देर पहले, तब मैं थोड़ा सा, हम लोग घर के काम में थोड़ा थोड़ा बिजी थे, इस वजह से मैंने कोई भी ब्लॉगिंग आते वक्त की भी नहीं की, क्योंकि बहुत इमरजेंसी वाली बात थी। तो होता है ना, जब इमरजेंसी होती है तो आपके हाथों में कैमरा नहीं उठता। तो आने के बाद, यहाँ पे देखने के बाद थोड़ी सा सुकून मिला, उसके बाद फिर लगा सब बैक टू नॉर्मल थोड़ा बहुत हुए, तो उसके बाद सबने अपने अपने काम शुरू किए। तो मैंने कहा चलो मैं भी आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करना शुरू कर देती हूँ। और ये पता नहीं मेरे वीडियोस कब तक आएंगे, कहाँ तक आएंगे, मुझे नहीं पता। तो फ्रेंड्स, ये एक छोटी सी बच्ची है जिसका नाम है कुहू उफ शिवी। अभी सोकर उठी है और यहाँ इनके पापा जी जो हैं वो मोबाइल पे लगे हैं, और ये लड़की कह रही है मैं पागल हूं। नहीं कह रही है, अच्छा गुस्से में हो रही है ये, बिल्कुल तुम्हारी तरह बोल रही है ये मुंडी, देखो सर पे मारने पे ही बोलती है ना। ए विक्रम, क्यों छेड़ हो मेरी बच्ची को, क्यों क्यों परेशान कर रहे हो? सोना नहीं है विक्रम, शाम हो रही है, मम्मी गई है कीर्तन करने, पापा अपना भजन कर रहे हैं। पापा की चोट लग गई है हमारे, एक्सीडेंट हो गया। हाँ बहुत, पापा को चोट, हाँ पापा को चोट लग गई है काफी, इसलिए हम पापा को ले जा रहे हैं दिल्ली, और दिल्ली में कराएंगे उनका ट्रीटमेंट, और वहां से उनकी हम केयर भी कर पाएंगे। और मम्मी को भी ले जा रहे हैं, मतलब कि कुहू की दादी को। कू कह रही थी, दादी दादी को ले जाना हॉलीडेज पे। और कू कह रही है मैं अपनी दादी दादू को ले जाऊंगी और पापा को यहीं छोड़ के जाऊंगी, क्योंकि पापा जो है मेरे बहुत आलसी हो गए हैं, है ना? नहीं 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 और आंखें बड़ी कर लो कि मैं सो ही नहीं रहा था। ये क्या है, ये लड़का पिछले आधे घंटे से मुझसे बोल रहा है मैं सोने जा रहा हूँ, मैं सोने जा रहा हूँ। सोने वाला कोई कहता मैं सोने जा रहा हूँ, सो जाता है चुपचाप। सोने दे तुम्हें, मैंने फोन आ गया दो बार बीच में, मैं क्या करूं? लेटे ये देखो, ये भी बाप बेटी बिल्कुल एक स्टाइल में, ये देखिए, ये देखिए बाप बेटी बिल्कुल एक स्टाइल में। जॉनी जॉनी मैं कहता हूँ, जॉनी जॉनी ईटिंग शुगर टेलिंग लाई ओपन योर माउथ। तो दिल्ली तो आए, दिल्ली के बाद जो है यहाँ पर हम आ गए हैं सिस्टर इन लॉ के घर। एक्चुअल में आज जो है इनकी मतलब नेक्स्ट, जिस दिन हम आए थे उस दिन इनकी जो है मैरिज एनिवर्सरी थी, और मैरिज एनिवर्सरी 10th मैरिज एनिवर्सरी थी। तो मम्मी पापा का बहुत मन था सबसे मिलने का, और पापा को चोट भी लगी थी तो उनको और मन था, और सोनम भी कह रही थी कि पापा जो है आ जाते मिल लेते। तो हम फाइनली हम लोगों ने डिसाइड किया कि चलो 10th एनिवर्सरी है, और पापा ने कहा हमें चोट लगी है तो वो लोग क्यों फिर सेलिब्रेशन ना करें, सब लोगों को करना चाहिए मिलजुल के, हो गई लग गई चोट। तो फिर फाइनली ये हुआ कि चलो एक छोटा सा सेलिब्रेशन हो जाए, तो फाइनली ये केक कटिंग वगैरह हो रही है। और पहली बार ऐसा हुआ कि शिवी ने केक कटिंग के लिए बिल्कुल ज़िद नहीं की, नहीं तो मुझे लग रहा था वो किसी को केक काटने नहीं देती है, क्योंकि राशन में कुछ छोटी 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 चीज़ें ख़त्म है, तो लग रहा है कि ले कर आ जाओ यार, एक एक चीज जाके मंगवाना बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो हम जा रहे हैं राशन लेने, शाम का वक्त हो रहा है। क्यों तुम इतना मुस्कुरा रहे हो मेरी मारा जी? तो फाइनली कहाँ जा रहे हैं? मैं मुंह ढक लूँ ना, मुझे पहचान ना। देख लीजिए ऐसा वक्त आ गया है कि लोग ना पहचाने से। तो हम लोग आ गए थे घर के पास वाली जो सुपरमार्केट है वहाँ से सामान लेने, घर के छोटे मोटे जो सामान जो है ख़त्म हो गए थे लिस्ट बना करके। बिग बाज़ार थोड़ा दूर पड़ जाता,
मतलब उतना दूर भी नहीं, बट फिर भी हमने सोचा कि सुपरमार्केट से ही ले लेते हैं। और शिवी दादी दादू के साथ है, और यहाँ पे ये ब्लॉगिंग जो है सेम डे की या फिर दो दिन की नहीं, तीन से चार दिन की छोटी छोटी गैपिंग पर है, तो आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा। फ्रेंड्स देखिए हमारे यहाँ कौन आया है, मम्मी। और मम्मी ने अभी अभी एक बहुत बड़ा काम किया है, कबूतर भगा है। बहुत बड़ा काम किया है, क्योंकि यहाँ पे कबूतर पता नहीं क्यों लॉक कर दिया गया है, फिर भी कबूतर कहीं ना कहीं से रास्ता निकाल लेते हैं। और ये कबूतर रास्ता निकाल के पता नहीं कहाँ से आ रहे हैं, समझ नहीं आ रहा है। बट वन सेकंड कैमरा मैं सही कर दूं, बट पता नहीं डेली होता है, और एक नहीं दो कबूतर एक साथ आते हैं, पेयर में आते हैं। तो बहुत टाइम से मैंने ब्लॉगिंग जो है कर नहीं पा रही हूँ मैं, और करने का मन भी नहीं कर रहा था। तो मुझे लगा चलो आज मैं जो छोटे छोटे वीडियो कहीं कहीं पे बना लिए थे, मौका मिला या फिर थोड़ा सा लगा कि चलो स्टार्टअप किया जाए, तो फिर आज मैंने सोचा कि मैं थोड़ी सी बातें बता करके और शेयर करके वीडियो को एंड कर देती हूँ। लाइक कोई ब्लॉग नहीं है, क्योंकि ब्लॉगिंग ऐसी नहीं होती, ब्लॉगिंग में बहुत कुछ होता है। बट यहाँ पे मैं आप लोगों से ये शेयर करना चाहूंगी कि हाँ अभी मम्मी पापा जो है वो दिल्ली में आए हैं। पापा के एक्चुअल में हाथ में फ्रैक्चर हो गया था, ये जो कलाई होती है ना, कलाई का ये जो कोना होता है वो वहाँ पे फ्रैक्चर आ गया है। वहाँ पे वो उनकी हड्डी जो है वो ब्रेक हो गई, आप ये कह सकते हैं। तो डॉक्टर ने दो चीज बताई थी, एक ऑपरेशन बताया था और एक प्लास्टर आप करवा सकते हैं। हाँ, तो प्लास्टर में थोड़ा सा ड्यूरेशन लंबा है, और ऑपरेशन में ऑब्वियसली इंस्टेंट हो जाता है, मतलब उसमें भी टाइम लगेगा रिकवर होने में, अप्रॉक्स 15-20-25 डेज जो भी लगता है, बट उसमें भी आपको टाइम लगेगा। तो ये सारा सब कुछ हमने पापा पे ही छोड़ दिया था कि पापा को आपको जैसा कंफर्ट लगे आप वैसा बताओ, आपको कैसा कराना है, ऑपरेशन करवाना है हम ऑपरेशन करा देंगे, आपको अगर प्लास्टर लगवाना है हम प्लास्टर लगवा देंगे। तो ये एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था जब उस टाइम पे हम लोग तुरंत गए थे, और ऑब्वियसली जब कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं तो हम थोड़े से घबरा जाते हैं और दिमाग में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। तो तुरंत विक्रम भी उस दिन ऑफिस से तुरंत फटाफट निकले थे, और निकलने के बाद तो देन उसके बाद वहाँ से पापा को दिखाया, क्योंकि आसपास जो डॉक्टर होंगे नियर पहले वहीं दिखाते हैं, देन उसके बाद फिर यहाँ पे दिल्ली लाया। तो अभी शिवी के दादा दादू शिवी के साथ रहेंगे, जी हाँ। और बहुत से लोग मुझसे मैसेज पे, इंस्टा पे, मेरे फेसबुक पे भी इवन पूछा जा रहा है कि आप ब्लॉगिंग नहीं कर रहे हो, मे बी आपकी जॉब लग गई है या फिर कोई और बात तो नहीं हो गई। और एक ने ये बोला कि आप गोवा गए थे, गोवा के बाद आप गायब हो गए, कहाँ गए? तो ऐसा नहीं है, जिस दिन गोवा से आया था उसके बाद मैंने एक वीडियो बनाया था जो कि इन्फॉर्मेटिव गोवा के ऊपर था। उसके बाद क्या हुआ कि उसके नेक्स्ट टू नेक्स्ट डे आई थिंक ये न्यूज़ आई थी जो पापा की मतलब लग गई थी, तो हम लोग चले गए थे। फिर वो वीक पूरा ना बिजी हो गया, और हाँ जॉब के लिए मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ, तो मे भी हो सकता है कि नेक्स्ट मंथ से मेरी जॉब भी स्टार्ट हो जाए। तो शिवी जो है आप अपने दादा दादी के साथ रहेगी, स्कूल जाएगी और मस्ती करेगी, तो ब्लॉगिंग थोड़ा सा मेरे लिए टफ पड़ जाएगा। बट ऐसा नहीं, मैं यूट्यूब बिल्कुल छोड़ दूंगी, बीच बीच में मैं आप लोगों के साथ कुछ हंसते खेलती मस्ती भरी वीडियोस बिल्कुल शेयर करूंगी। कहीं घूमने जाएंगे मम्मी पापा के साथ तो शेयर करूंगी, या कुछ स्पेशल घर पे बना तो शेयर करूंगी, फेस्टिवल हुआ जैसे लाइक होली आ रहा है फेस्टिवल हुआ तो शेयर करूंगी, या फिर जब पॉसिबल हो पाया तो शेयर करूंगी। बट डेली बेसिस पे ब्लॉगिंग अभी मुश्किल हो जाएगी। मैं सोच चलो आपको अपडेट कर देती हूँ। कुछ लोग सोच रहे गोवा जाने के बाद बिल्कुल गोवा ही हो गई, गो गो गोवा, तो ऐसा नहीं है। बस ये था कि थोड़ा सा बिजी हो गए थे, इसलिए बहुत सारी चीजें हैं अभी लाइफ में चेंज होने वाली हैं। हम यहाँ से घर चेंज करेंगे, फ्लैट चेंज करेंगे, क्योंकि ये 1 BHK है, मम्मी पापा रहेंगे तो 2 BHK उनका एक सेपरेट रूम होना जरूरी है, तो 2 BHK भी देख रहे हैं। बहुत सारी चीजें चेंज करनी है, तो जैसे जैसे जो पॉसिबिलिटी हुई, मैं बिल्कुल ऐसा नहीं कहूंगी कि अचानक से छोड़ दूँ, बट हाँ जॉब के बाद जब वर्किंग होंगी तो कितना कंटिन्यू कर पाऊंगी वो आप लोग खुद देख लोगे। मे भी हो सकता है कि हफ्ते में 2 वीडियो आ जाए, मे भी हो सकता है कि नहीं आए, बट कहीं घूमने जाऊंगी, आउटिंग पे जाएंगे हम पूरी फैमिली, तो बिल्कुल मैं आउटिंग वीडियो जरूर बनाऊंगी, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है बाद भी देखने का, क्योंकि गोवा का अब हम देखते हैं ना तो हमें बहुत अच्छा लगता है। तो आई होप आप लोगों को मेरी बातें समझ में आ गई होगी, कहीं मैं भाग ही नहीं हूँ, कहीं पर मैं गई नहीं हूँ, और अभी मैं जो है फैमिली के साथ हम सब जो है टाइम स्पेंड कर रहे हैं। रात्रि तो हैप्पी महाशिवरात्रि, और शिवरात्रि का हो सका तो मैं ब्लॉग जरूर बनाऊंगी, क्योंकि पूरी फैमिली के साथ शिवरात्रि सेलिब्रेट करेंगे, टेंपल वगैरह जाएंगे, तो बिल्कुल मैं आप लोगों से शिवरात्रि का ब्लॉग शेयर करूंगी। तो बाय बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव।